फ्लावर्स की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर भैया आपको। चलिए आप लोगों को इसी तरह से मस्ती से। हेलो नमस्कार दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। तो मैं आज आया हूँ भागलपुर सराय के जो अमृत जलपान, यहाँ पर नाश्ता करने के लिए आए हैं। तो जो यह काफ़ी फेमस है, इसका अगर लोकेशन की मैं बात करूँ तो यह जो है तिलका मांझी से 2 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। यहाँ काफ़ी ज़्यादा जो है कोचिंग वगैरह भी है, लॉजिंग सुविधा भी काफ़ी अच्छा है। और मैं जहाँ रहता हूँ वो स्वामी विवेकानंद कॉलोनी है, ठीक है, उसे जो है प्रोफेसर कॉलोनी के नाम से भी जाना जाता है। तो बाहर का मैं आप सभी को व्यू दिखाऊँगा जो काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पर अगर देख पा रहे होंगे ये भैया लोग जो है कुछ जो है वो लोग नाश्ता वगैरह कर रहे हैं काफ़ी अच्छा खासा। तुम लोगों से भी मैं बात करूंगा। फिलहाल मेरा जो है समोसा वगैरह आ गया है, आपको मैं दिखाता हूँ। फिलहाल चटनी नहीं मिला इसी खाने में। बैठो भैया, गुलाब जामुन है, काफ़ी अच्छा होती है। पहले आप लोग बताए हाय कर दीजिए मेरे चैनल की ओर। आप लोगों को यहाँ पार्टी करके कैसा लगा? बहुत अच्छा। मतलब समोसा सब कैसा था? ठीक था ना? मतलब 5 में से कितना स्टार दीजिएगा इस शॉप को? 5 में 5। तो आप सोच सकते हैं कि 5 में 5 स्टार मिल रहा है। बाहर में भी हम आपको रिव्यू दिखाएंगे, गेस्ट शॉप का पूरा व्यू कराएंगे। काफ़ी अच्छा है, पुराना है, सबसे ज़्यादा पुराना शॉप यहीं पे है, ठीक है। और बेहतरीन यहाँ पे सारा चीज़ आपको समोसा वगैरह जो भी खाई जाएगा वो बेहतरीन मिल जाएगा। तो आज चलिए आगे का हम आपको दिखाते हैं, शॉप का सारा चीज़ व्यू करवाते हैं, आपको लोगों को व्यू दिखाता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं मेरा काफ़ी अच्छा है भाई, ऊपर में भी आप लोग देख के अच्छा लगेगा। अच्छा खासा ये शॉप है। मैंने यहाँ पे जो है 1 तारीख को ही ब्लॉग बनाए थे, काफ़ी अच्छा आप देख पा रहे होंगे। ये यहाँ का एक शॉप है, मास्क तो मेरा यहाँ पे है। अच्छा ये शॉप, ठीक है, आप मेरे बाहर भी देख सकते हैं सब अच्छा खासा है। इधर यहाँ पे समोसा वगैरह आप खरीद सकते हैं, ठीक है। तो यही है सराय भागलपुर का एक व्यू, मेरे पीछे पूरा आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा भाई। पहले सबसे पहले तो मैं मास्क लगा लेता हूँ। तो ये भागलपुर सराय का एक दृश्य है, आप मेरे पीछे देख रहे हैं। मुझे उधर जाना है लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ, अभी जो है कुछ पानी पूरी वगैरह खाना है। तो मौसम भी ख़राब है, पूरा देख रहे हैं अंधेरा अंधेरा छाया हुआ है और वर्षा भी हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है पानी पूरी वगैरह आप खा सकते हैं, शाम का समय है ना इसलिए। तो मैं यहाँ पे इसी तरह का यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो है चाट सब मिलता है मेरे सराय में, काफ़ी अच्छा खासा है। यहाँ पर हो गया एक यहाँ पर है, और आगे उधर जाइएगा तो अंडा वगैरह मिलेगा, ठीक है। तो ये जो क्षेत्र है भागलपुर का सराय क्षेत्र के नाम से कहलाता है, एक फूड होलिक के नाम से इधर भी है। भाई दिख क्यों नहीं रहा? हाँ हो, दिख क्यों रहा है, फूड होलिक है वो तो, काफ़ी अच्छा खासा है। मैं खाऊंगा पानी पूरी। तो यहाँ पे जो है एक छोटा सा पानी पूरी का शॉप है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है पानी पूरी भी खाएंगे तो आपको दिखाएंगे। पहले मोमोज खाते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक मोमोज का दुकान है, पहले भी दिखाया था आपको, मतलब शाह मार्केट का, वहाँ का मोमोज और यहाँ के मोमोज में क्या डिफरेंस है वह मैं आप लोगों को दिखाता हूँ।
मौसम भी आज काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, वर्षा भी हो रही है। तो मैं जहाँ रोटी लेता हूँ पर डे 3 रोटियाँ, ठीक है, ये वही शॉप है। यहाँ पे इन लोगों का जो है टूट गया है पूरी तरह से, नाला वगैरह बनने के कारण जो यहाँ पे जो है टूट गया है। तो ये भैया है, यही मेरा फेमस दुकान है जहाँ पे हम 3 रोटियाँ पर डे, मेरा नियम बना हुआ है यहाँ पे जो है 3 रोटियाँ खरीदने का, ठीक है। तो यही कुछ है, मैं आपको देखता हूँ ये भैया क्या बना रहे हैं अभी। मैं रूम पे जा रहा हूँ, मोमोस वगैरह सब ले लिए हैं, वहीं आपके साथ पार्टी करेंगे। थोड़ा पानी जो वर्षा हो रही है ना, ठीक है, इसी कारण जो है थोड़ा सा जो है वीडियो क्वालिटी थोड़ा ख़राब है, अंधेरा छाया हुआ, लगता लाइट है ही नहीं। फिलहाल मैं एक चाय पीऊँगा छोटा सा, यहाँ पे एक अंकल चाय बनाते हैं, काफ़ी भैया मस्त चाय बनता है उनका। और सराय में जो है अगर हम बात करें तो एक चिकन हाउस है, ये जो राजवीर चिकन हाउस देख पा रहे होंगे, यह बैनर्जी लोग काफ़ी अच्छा ये भैया बनाते हैं। और जो है ये अंकल हो गए यहाँ के चाय वाले, सबसे पुराने यहाँ सराय का जो है सबसे पुराना चाय वाला दुकान यही है यहाँ पे, और मेरा फेवरेट भी यहाँ का, ठीक है। फिलहाल मैं अभी एक चाय पीऊँगा अंकल से, उसके बाद आगे आपसे हम बात करते हैं। एक चाय पिलाइएगा। तो फाइनली ये चाय आ चुका है। इनकी चाय की एक खासियत है सराय में, ये काफ़ी अच्छा बनाते हैं, ठीक है, जो कि अच्छा है, यहाँ नामी अच्छा खासा पुराना भी है दुकान इनका, काफ़ी ज़्यादा पुराना है, चाय भी अच्छा बनाते हैं। लगभग अंकल आप यहाँ कितने सालों से चाय बेच रहे हैं? एक बार फिर भी आपने मुझसे बोल दीजिए। 2001 में खोले हैं, 2001 में ये खोले हैं, सोच सकते हैं अभी 2022 आ गया है, भाई कितना सा पुराना है। तो यहाँ पे एक भैया हैं, ये चाय पी रहे हैं। आपको चाय का स्वाद कैसा लगा? बहुत अच्छा चाय है, बहुत अच्छा चाय ना, बहुत अच्छा टेस्ट है। आप यहाँ कब से पी रहे हैं? हम यहाँ करीब 4 साल से पी रहे हैं, सोच सकते हैं 4 साल से, 3 साल से हम भी पी रहे हैं। और ये सब यहाँ देख रहे हैं चाय पीने के लिए, एक बार आए कर दीजिएगा। हेलो, ठीक है, सुबह में काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहता है यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स जो भी। हेलो दोस्तों, आप लोग भी आइए चाय पीने के लिए, जो लोग वीडियो देखिएगा भागलपुर का जो भी है, बहुत अच्छा लगेगा चाय, कटिंग चाय के साथ। जिसके यहाँ मैं चिकन खाता हूँ, ये राजवीर चिकन हाउस, आप बैनर देख रहे होंगे, यहाँ पर राजवीर भैया देख लिए पानी पी रहे हैं, काफ़ी बेहतरीन ये जो है चिकन बनाते हैं, मेरा वन ऑफ द बेस्ट। क्या राजवीर भैया, कहाँ पे आपका ये होटल है, क्या सब मिलता है आप बताइए? यहाँ पर चिकन, चावल, रोटी, सलाद यही मिलता है। कि चिकन कितना रुपये प्लेट है आपका? अभी 80 रुपये प्लेट चल रहा है। देखिए अगर सराय से है ना आप, इनके यहाँ जरूर आए चिकन खाने के लिए, पूछ लीजिए इनसे, आप इस काम रेगुलर कस्टमर हैं, और जब भी हम आते हैं इनके यहाँ आते हैं खाने के लिए। क्या राजू भैया, हाँ ये तो आते रहते हैं, आप भी आइए और खाइए इसके यहाँ। हाँ कभी चेक करिए, सबोर का टक्कर का मिलता है यहाँ पर। हाँ, भागलपुर में 2-3 चिकन हाउस है जो काफ़ी फेमस है, सबोर चिकन हाउस हो गया, उसके बाद आपका चंपारण चिकन हाउस हो गया, उसके बाद सराय का अगर हम बात करें ना, सराय में इनके टक्कर देने वाला कोई भी नहीं चिकन हाउस है, इनके यहाँ बेहतरीन बनता है, ठीक है, एवर हाई कर दीजिए। तो फाइनली अब समय हो चुका है रूम पे जाने का, और 6:10 भी हो गया, और 6:30 बजे से पढ़ाना भी है बच्चों लोगों को। चलिए मैं और कुछ थोड़ा सा व्यू दिखाऊंगा आपको, एक यहाँ पे मेस भी है जो काफ़ी अच्छा है यहाँ का, और ज़्यादा कुछ भी नहीं है यहाँ पे, और हाँ यही है सराय का है, इसको नवाबी मतलब नवाबी कॉलोनी के नाम से जान, ये देख रहे हैं ये सराय मेस हो गया जो काफ़ी अच्छा है यहाँ का, एक ही है मेस और वो भी अच्छा खासा मेस है वो, ठीक है। यहाँ एक और मेस है आगे, उनके यहाँ भी आप सामान वगैरह खरीद सकते हैं।
नमस्कार दोस्तों, तो फाइनली मैं रूम पे आ गया हूँ और ये मोमोस बन के तैयार हैं। मोमोस लाए हैं, उसी को अभी चट करना है। तो मैंने लोकेशन आप लोगों को पहले बता दिया था कि जो जहाँ मैं रहता हूँ, तो यह सराय है, किला घाट के नाम से जाना जाता है इसको। और मैं जिस कॉलोनी में रहता हूँ वह स्वामी विवेकानंद कॉलोनी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ जो मैंने अभी जो आप व्यू देखे हैं, ये सराय का है जो तिलका मांझी से 2 किलोमीटर की दूरी पे अवस्थित है। काफ़ी अच्छा जगह है, यूनिवर्सिटी के पास में है, यहाँ TNB कॉलेज भी पास में है, मारवाड़ी कॉलेज भी जो है वो पास में ही है। काफ़ी अच्छा है रहने के लिए भी, यहाँ की अगर हम बात करें तो काफ़ी अच्छा सुविधा है। तो भागलपुर में जो मेन स्टूडेंट के लिए हब होता है, दो जगह है। एक आपको तिलका मांझी से 500 मीटर की दूरी पर मनाली नाम है, वहाँ आपको मिल जाएंगे, ठीक है। दूसरा आपको सराय, ये दोनों काफ़ी फेमस प्लेसेस हैं, सेफ जगह है, अच्छा जोन माना जाता है स्टूडेंट के लिए, शांत माहौल है। लड़कियों के लिए अगर कहा जाए तो सबसे ज़्यादा लड़कियां अगर रहती है वो SM कॉलेज है, उधर मलानी में वहाँ रहती हैं। तो चलिए ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे, लोकेशन मैंने बता दिया है, अमृत जलपान में आप जाइए कभी टेस्ट कीजिए, आते हैं तो काफ़ी अच्छा खासा बनाते हैं। तो फिलहाल मोमोज ठंडा हो जाएगा तो उसका हम टेस्ट लेते हैं थोड़ा सा, बहुत दिन के बाद मोमोज का। तो थैंक यू सो मच प्यार देने के लिए आप सभी को। अच्छा है मगर थोड़ा सा ठंडा हो गया, मगर A1 है भाई आप लोगों के नाम से। कमेंट में करके बताइए कि आप लोगों को और किस तरह का ब्लॉग चाहिए, मैं आप ही लोग की सेवा के लिए मैं आया हूँ यूट्यूब पे। और आप कहाँ से देख रहे हैं ये भी कमेंट में लिखिए, ताकि मैं अन्य वीडियो नेक्स्ट जो आएगा उसमें आपका नाम मैं ज़रूर लूँगा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो क्या करना है, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, साथ साथ बेल आइकन का जो ये घंटी का दबन बटन है ना, दबा दीजिए ना भाई, हाँ उसी को प्रेस कर दीजिए। उसके बाद जो है क्या करना, बेल आइकन का बटन को प्रेस कर देना है। हाँ पहले खा लेते हैं, कहते हैं हमारे यहाँ है ना, खाते समय बोलना नहीं चाहिए, समझे ना। तो बोल रहे थे, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, साथ साथ ललका बटन देख रहे हैं, हाँ वही, उसको दबा दीजिए। अगर बगल में घंटी हो है ना, वो घंटी को दबा दीजिए। अरे हमारे आने वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगी, इस तरह सपोर्ट कीजिए भाई को। बहुत सारे मेरे दोस्त पूछ रहे थे कि आप कहाँ से हैं, आपका घर कहाँ पे है। तो मैं एक ब्लॉग लेके आऊँगा जल्द ही, फरवरी के शुरू में, तो उसमें मैं पूरा डिटेल्स बताऊँगा कि मेरा घर कहाँ है, मैं कहाँ का रहने वाला हूँ और मेरा नाम क्या है। तो पूरा वीडियो को देखिए, कमेंट ज़रूर कीजिए और आइए कभी मिलिए मेरे तरफ से आप सभी को मोमोस पार्टी। वाह, आज का भोजन हो गया भाई, 30 रुपया में 3 तो खाए, 4, 5, 6, 7, 8 9 पीस मिला था, काफ़ी अच्छा नाश्ता हो गया आज का, रात का भोजन डिनर। बड़ा दुख, बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं ना, उनमें से 80% लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। वीडियो तो देख लेते हैं पर सब्सक्राइब नहीं किए, भाई सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, स्टूडेंट लाइफ है, अगर आप सपोर्ट कर देंगे ना तो मेरी पढ़ाई में कुछ हेल्प मिल जाएगी, मेरा भी मोटिवेशन बढ़ेगा। कमेंट कीजिए, कमेंट करने से क्यों डरते हैं, थोड़ा सा मेहनत लगेगा, हाय हेलो जो भी करना है लिख दीजिए। और हाँ, इंस्टाग्राम ID मेरा है @माकुंज, वहाँ आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। और अगर आपको कोई ब्लॉग देखना है, कहीं दृश्य है आपने देखा है, आपके गांव से मोहल्ला में है कोई ऐसा दृश्य जो दिखाने लायक है, तो आप कमेंट में जगह का नाम, अपना एड्रेस ज़रूर दीजिए, पता, फ़ोन नंबर, कहाँ पे,
इंस्टाग्राम आईडी पे @माकुंज जाइए, फॉलो कीजिए, हम ज़रूर आपको फॉलो बैक करेंगे, वहीं पे बात करेंगे। फिलहाल खाते हैं, आप लोग की दुआ से एक मिला था, ये यूट्यूब से ही मिला है, ये स्पॉन्सरशिप में सब आप लोग की दुआ से आशीर्वाद से हो रहा है ये सब। सपोर्ट कीजिएगा, तो अभी कुछ इनकम तिनकम नहीं होता है यूट्यूब से मुझे कुछ, हाँ आप लोग का प्यार मिल रहा है यही मेरे लिए काफ़ी है। आप लोग के प्यार से जो भी चीज़ मिलेगा मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगा। आप हमारे परिवार के समान हैं, हमारे फैमिली हैं, ये है मिल्टन का, तो इसमें मैं हमेशा पानी रखता हूँ, गर्म पानी, थोड़ा तबीयत ख़राब है। और हाँ, अगर आप बाहर निकलिए तो प्लीज़ मास्क लगा के निकलिए मेरे दोस्तों, काहे कि ओमिक्रॉन का काफ़ी ज़्यादा फैल रहा है। हम लोगों का यह दायित्व बनता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सावधानी बरतें और स्वस्थ रहें, और हमारे वीडियो को आप ज़रूर देखें पूरा। पानी पीने के बाद मिलते हैं आपसे। तबीयत ख़राब है लेकिन क्या कर सकते हैं, आप लोगों के प्यार मिल रहा है, ब्लॉगिंग तो करना ही है, लेकिन सावधानी से करते हैं, मास्क लगा के। आप लोग भी घर से बाहर निकले तो ज़रूर मास्क लगाए। फाइनली हो गया ख़त्म, कुछ बातें कर लेते हैं आप लोगों से। तो मेरे YouTube चैनल का जो है 31 दिसंबर को एक साल पूरा गया, मैंने कोई एनिवर्सरी तो मनाया नहीं, लेकिन जल्द ही हम अपने परिवार को, आप सभी तो हमारे परिवार हैं के सदस्य हैं, तो आप लोगों के लिए एक पार्टी, छोटी सी पार्टी का मैं व्यवस्था करूंगा और सेलिब्रेशन करेंगे अपने YouTube चैनल का एक साल जो मनाया है। तो इस मंथ तो नहीं होगा, ये जनवरी हो गया, फरवरी कोशिश करेंगे, फरवरी में जो है एक पार्टी का आयोजन करेंगे। अगर कोरोना वगैरह रहा तो रूम में ही करेंगे, बाहर अगर देखते हैं शांत हो जाती है तो बाहर में करेंगे, लेकिन जल्द ही करेंगे। तो बस यही सब था, अंत में ही बोलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बस यही कहेंगे, हमारे चैनल को अब तक अपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, साथ साथ बेल आइकन का जो बटन है उसे भी प्रेस कर दें, ताकि हमारे अन्य वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।